गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड कनेक्ट हो मॉर्निंग गए। सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। अभी तीन लोग ही दिख रहे हैं लेकिन मुझे। और सर अभी आ रहे हैं सब लोग। चलो दो मिनट वेट कर लेते हैं। बाकी का मैं प्रीवियस हम लोग डिस्टेंस मेजर्स के बारे इस टॉपिक को ही पढ़ रहे थे ना, तभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। यस सर। तो देखो इसमें दो तरह, ये तीन तरह की डिस्टेंस होती है। एक तो यूक्लियन डिस्टेंस होती है जिसको हम डीई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूक्लियन है ना, यहाँ पर ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है इसलिए डीई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूक्लियन डिस्टेंस होती है वो जो ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ी थी, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस वाई वन का रूट, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह से। तो ये वही फॉर्मूला है। और इसमें जो डी फोर डिस्टेंस हो जिसको सिटी ब्लॉक डिस्टेंस बोलते हैं, तो इसमें इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर नहीं किया है नहीं, ना इसका स्क्वायर रूट किया है, बस केवल एक्स माइनस एस यानी एक्स टू माइनस एक्स वन और बाई टू माइनस बाई वन, ये सिंपल इन दोनों का समीशन कर दिया, तो ये डिस्टेंस सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहलाती है। और इसको हम डी फोर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और ये डी फोर जो डिस्टेंस होती है ना, डी फोर डिस्टेंस एक डायमंड सेंटर्ड, जो उसके डायमंड सेंटर होते हैं पिक्सल विद द डी फोर डिस्टेंस लेस देन टू फ्रॉम एक्स वाई सेंटर पॉइंट्स। तो इसमें जैसे ये वाले जो ये डी फोर डिस्टेंस है, ये वाली, ये वन वन और ये वन, ठीक है। तो इसमें और जो डी फोर जो आप लोग इसमें प्रीवियस उसमें ही बताया था ना, इसके जो नेबर्स होते हैं कौन कौन से नेबर्स होते हैं, एक तो इसके 4 पिक्सल नेबर होते हैं और 8 पिक्सल नेबर होते हैं ना। तो 4 पिक्सल नेबर में जो आपके टॉप एंड बॉटम वाले होते हैं, तो बस वही जो डी उसको 4 पिक्सल नेबर को हम लोग एन फोर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एन फोर से, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एन फोर। दिख रहा है ना अभी पीपीटी, अब ये क्या नाम है, पीडीएफ दिख रही है ना आप लोग, एन फोर yes, से। और एन एट से हम लोग जो एट नेबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी सेम यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो डी डी डिस्टेंस को हम लोग डी जो यूक्लिडियन वाली को डी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है उसको डी फोर से। और एक चेस बोर्ड डिस्टेंस थी जो जिसमें हम लोग एट 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 का सीक्वेंस ले रहे थे ना, इसमें आपके डायगोनल डायगोनल देखो, इसके अंदर आपके डायगोनल वाले नहीं थे, इसके अंदर आपकी जो टॉप बॉटम लेफ्ट और ये राइट, तो ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाले जो नेबर है, मान लो ये वाला ये पिक्सल है, ये पी पिक्सल है, और इससे हम इसकी ये बगल वाले ऊपर वाले की डिस्टेंस निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये ऊपर वाले ये कौन सा वाला सिटी ब्लॉक डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये बनाएगी ना, क्योंकि ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो उससे जस्ट एक कम होता है, और कॉलम का जो कोऑर्डिनेट तो सेम ही होता है, वो जो बताए थे ना उसके कोऑर्डिनेट से आप लोगों, क्योंकि जो यहाँ पर कॉलम तो चेंज नहीं हो रहा, जब अब इधर वाले का इधर यहाँ पर है ना, इसके कॉलम एक कॉलम बढ़ जाता है पर रो सेम ही है ना, और इधर की तरफ एक एक कॉलम की जो वो है ना जो वैल्यू होती है एक्स बाई में, जो बाई कोऑर्डिनेट बाई माइनस वन हो जाता है इधर की तरफ, और आपकी रो तो वही रहती है एक्स ही है यहाँ पर है ना, इस तरह से। तो अब जब हम इसको ये वाला डिफरेंस निकालेंगे, तो ये इसके जो फोर्थ नेबर हैं उनके उनकी डिस्टेंस है ना, जो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है वो हमेशा वन वन ही आएगी, इसकी वन आएगी ये, और जो इसके सेकंड वाले जो नेबर हैं, जो इसके जो नेबर के नेबर है, यानी कि जो जो इसके जस्ट एडजेसेंट जो सेकेंड एडजेसेंट नेबर हैं उनकी टू टू आएगी, ठीक है। तो ये हो गए इसके डी फोर वाले जो नेबर, पिक्सल्स विद डी फोर इक्वल टू वन आर द फोर नेबर ऑफ एक्स कॉमा वन, ठीक है। तो ये जो जो एक्स कॉमा वन के जो जिनकी डी फोर इक्वल टू वन है, जिनकी डिस्टेंस वन है, डी फोर जो डिस्टेंस निकाली है हमने वो वन है, तो वो उसके क्या है फोर्थ नेबर है, वो अभी बताया था मैंने ना। तो इसके बाद और जो आपका चेस बोर्ड डिस्टेंस होती है जिसमें हम लोग एट 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 कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं इसके लेफ्ट, मतलब क्या नाम है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और ये डायगोनल डायगोनल भी लेते हैं इसमें, ये इसके डायगोनल नेबर है ना, ये वाले डायगोनली, ये ऐसे में डायगोनली है ना, ये अगर जीरो जीरो मान लो कि ये जो मिडिल पिक्सल है
इसको हम लोग ये कंसीडर कर लें, कौन सा जीरो एक्स वाई मान लें, अगर ये वाला जो मिडिल पिक्सल है इसको एक्स वाई मान लें, तो ये इसके ये जो जिनकी डिस्टेंस वन वन दिख रही है वो क्या है, इसके एट्थ नेबर हैं, एट्थ नेबर हैं कि नहीं ये, ठीक है। और जो इसके बाद वाले जो है वो इनकी डिस्टेंस है टू टू टू, ठीक है, क्योंकि सबकी टू होगी यहाँ से, क्योंकि ये इसका जो 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 इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स माइनस टू होगा, एक्स माइनस टू ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो यहाँ पर एक्स एक्स माइनस वन कॉमा वाई होगा और यहाँ पर एक्स माइनस टू कॉमा वाई होगा, है ना, क्योंकि यहाँ कॉलम तो वही है ना, कॉलम चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये वाला ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसमें इतना ही है, बाकी का कुछ एक जो एडजेसेंसी के बारे में भी बात करिए, तो देखो एडजेसेंसी नेबर केवल वही कहलाते हैं जो जो जिस नेबर के आसपास है ना उनकी जो पिक्सल वैल्यू है जो वन होती है, अगर उसके फोर्थ एडजेसेंसी नेबर बोल रहे हैं हम लोग। एडजेसेंसी भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी ना आप लोगों को, एडजेसेंसी देखो ये वाली ऊपर जो ये वाली फोर्थ एडजेसेंसी, एट्थ एडजेसेंसी और एक एम एडजेसेंसी था। तो एडजेसेंसी में ऐसा रहता है कि जो जिन जिन नेबर्स की वैल्यू वन होती है केवल वो ही पिक्सल्स इसके फोर्थ एडजेसेंस और क्या नाम है एट्थ एडजेसेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तो अभी यहाँ तक आप लोग क्लियर है, अभी ये वाली यूनिट मतलब सेकंड यूनिट है आपकी ऑलमोस्ट मतलब फिनिश है। अब इमेज ऑपरेशंस ऑन पिक्सल बेसिस, अब देखो इमेज जो है ना, इमेज में लीनियर और नॉन लीनियर टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो अगर आपका कोई ऑपरेशन है ना अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एच कोई इमेज है, एच कोई इमेज है और इस पे हमने लेट एच बी एन ऑपरेटर हुज इनपुट आउटपुट आर इमेज, ठीक है, एच कोई ऑपरेटर है उसकी जो एच कोई ऑपरेटर है उसका उसकी इनपुट और आउटपुट क्या है, इमेज है, यानी हमने उसको इमेज इमेज को इनपुट कराया है और उसका आउटपुट भी हमें इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो एस एक्स सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर इफ फॉर एनी टू इमेज एफ एंड जी एंड एनी टू स्केलर ए कॉमा बी, अगर मतलब कोई दो स्केलर कॉन्स्टेंट वैल्यू है ए कॉमा बी और F और G कोई इमेज है, दो इमेज है, तो इन दोनों का अगर देखो यहाँ पर है ना हम सिंपल इसको ये अगर इस तरह से ए एफ प्लस बी जी करके एक साथ करें या फिर इसको अलग अलग से ये एक बार इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें H वाला और एक बार G वाले ऑपरेशन इसमें G वाले इमेज में करें और इन दोनों को सेपरेटली सम करें तो ये दोनों इक्वल आए, तो इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन। मतलब ये वाला ये किस टाइप का ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है ये, ठीक है। और अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर लिखा ना, एन ऑपरेटर दैट फेल्स टू टेस्ट। और ये एक्चुअली में ये वाला वही है जो आप लोगों ने हम लोगों लीनियरिटी और नॉन लीनियर ऑपरेटर पढ़े, शायद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने। यहाँ पर अगर आपका जैसे एफ है, एफ प्लस जी इक्वल टू अगर एच एफ प्लस एच जी है सेपरेट करके, तो वो यानी ये लीनियर ऑपरेटर, ये वाला जो एच है अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ये लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। इसके बाद आपकी ये यूनिट यहाँ पर फिनिश हो गई। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमें यहाँ पर इमेज एनहेंसमेंट, थर्ड यूनिट है इमेज एनहेंसमेंट इन द स्पेशियल डोमेन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इमेज का जो एनहेंसमेंट है, वॉइस तो आ रही ना मेरी, हेलो, यस सर आ रही ना, हाँ ठीक है। तो इमेज इमेज अगर किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी मैं कॉलेज के नेट से चला रहा हूँ, और अगर डिस्कनेक्ट हो या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है इसमें, कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो देखो इमेज इमेज एनहेंसमेंट है ना, इमेज एनहेंसमेंट के दो तरीके हैं, एक तो हम इमेज एनहेंसमेंट इन स्पेशियल डोमेन में करते हैं और एक होता है इमेज एनहेंसमेंट इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, जो कि हम इसको फोर्थ चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, जो इसका फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है इमेज एनहेंसमेंट इन स्पेस फ्रिक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो ये जो थर्ड यूनिट है, अगर हम इमेज एनहेंसमेंट इन स्पेशियल डोमेन में करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर है ना जो डायरेक्ट हम इमेज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी इमेज इमेज मतलब मैट्रिक्स, ये तो मैंने पहले बताया आपको, जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो बस आप ये समझ लो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए, इमेज मतलब एक मैट्रिक्स है,
एक 2D मैट्रिक्स है m बाई n की, ठीक है, m बाई n, या मतलब उसके अगर स्क्वायर है तो n बाई n साइज की होगी, ठीक है। और तो इमेज मतलब मैट्रिक्स, तो आपका इमेज एनहेंसमेंट है ना, दो दो तरीके से होता है। एक तो स्पेशियल डोमेन में, स्पेशियल डोमेन में मतलब ये डायरेक्ट करते हैं हम, इसमें जो आपकी इमेज जो मैट्रिक्स है, इमेज की जो मैट्रिक्स है उस पर डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं इमेज एनहेंसमेंट इन स्पेशियल डोमेन। और एक होता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, क्या करते हैं पहले हम इमेज जो हमारी इमेज मैट्रिक्स होती है ना उसका हम पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है, पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं फिर उसके बाद उस पर एनहेंसमेंट परफॉर्म करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हेलो, फोरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज करते हैं हम लोग, फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है किसी, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, हाँ फोरी, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म था ना वो, उसका काम था ये कि वो क्या करता था कि आपका मतलब किसी जो सिंपल कोई वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो वर्क था, क्योंकि उसमें जो साइन 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 साइनसोइडल वेव होती है ना उसकी, तो वो जो जब, हाँ तो इसमें एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना। अब वो हम फोर्थ चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं उसका पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, फोर्थ चैप्टर में जाके है वो, तो थोड़ा सा भी मैं यहाँ पर ओवर भी दे रहा हूँ। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जैसे देखो ये जितने भी हम लोगों ने जो जो ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं एक फॉर्म से जो हमारा डेटा होता है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लॉग होता है, लॉग भी तो ट्रांसफॉर्म होता है ना। लॉग क्या करता है, जब हम लॉग किसी चीज का लॉग लेते हैं तो लॉग क्या करता है कि मतलब वो एक पर्टिकुलर पावर में कन्वर्ट कर देता है हमारे डेटा को, पावर में कन्वर्ट कर देता है ना, कि उस वैल्यू को छोटा कर देता है। कि मतलब जैसे अगर मान लो हमने 10 base 10 का लॉग ले रहे हैं, तो मतलब कोई वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम उसको base 10 में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाती है, हो जाती है कि नहीं, तो वो भी तो एक ट्रांस लॉग जो लॉगरिथम होता है ना, लॉगरिथम होता है ना, वो भी तो एक ट्रांसफॉर्म होता है। और जब हम उसके जब लॉगरिथम में हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब जो उसकी 10 की पावर या e की पावर जो भी है, या बाइनरी की 2 की पावर, ये जितने मतलब जो कई तरह के लॉग होते हैं ना, आपका नेचुरल लॉग होता है, एक एक base 10 होता है, एक 2 वाला होता है, तो वो लॉग भी एक ट्रांसफॉर्म होता है। हम उसको जो हमारा जो डेटा होता है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका एंटी लॉग लेते हैं, तो वापस से फिर हमारा जो डेटा उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो लॉग लॉग वगैरह का यूज कब होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना, तो उसमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लॉग का यूज करते थे। शायद आप लोगों को याद हो, आप लोग लॉग लॉग पढ़ा होगा ना 9th वगैरह में। लॉग में क्या होता था कि जब जब हमारी जो साइंटिफिक बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना, तो उनका हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद क्या होता है कि वो वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है, क्योंकि वो base 10 10 की पावर मतलब जो 10 की पावर में जो बेस आएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपका 10,000 है, वो base 10 लिया है, तो उसमें 10,000 में कितनी 10 की पावर 5 आएगा ना, तो उसकी लॉग वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी जो 10,000 वैल्यू थी वो 5 हो गई। तो आपको अब आगे जाके कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन 5 पे करना है ना कि आपको 10,000 पे करना है ना। तो लॉग लॉग का यही यूज था। ऐसे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डोमेन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो क्या करता है आपके डेटा को है ना जो आपकी फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में डिवाइड कर देता है। कि जैसे हमारा जो मैट्रिक्स, जो हमारी जो क्या नाम है इमेज की जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें जैसे मान लो आपका 110 जो पिक्सल वैल्यू है, ऐसे पिक्सल वैल्यू मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, उसमें इमेज की वैल्यू 0 से लेके, मान लो अगर हमारी 8 बिट इमेज है, तो 8 बिट ग्रे इमेज है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेके 255 तक कुछ भी हो सकती है ग्रे लेवल की, है ना। तो अब देखो उसमें वो जो फ्रिक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करता है, कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 110, उसमें पूरी जो पूरी हमारी इमेज की मैट्रिक्स है उसमें 110 कितनी बार आया, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, होगी कि नहीं। जैसे मान लो पूरे जो आपकी मान लो जो 256 बाई 256 की मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मैंने उसमें देखा कि मान लो 110 वैल्यू है, 110 जो वैल्यू है पिक्सल वैल्यू, वो उस पूरी इमेज में कितने बार आई, तो वो उस पर्टिकुलर एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी हो गई। ऐसे मान लो अगर मान लो मैंने ये कैलकुलेट किया कि जो 100 वैल्यू है पिक्सल की, इंटेंसिटी वैल्यू 100 है,
वो मेरी इमेज में कितने टाइम्स आ रही है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसको पहले फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, आपका जो डेटा है उसको फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसमें एनहेंसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो, और यहाँ पर स्पेशल डोमेन में हम कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट ना हमारी जो इमेज है, इमेज मतलब मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही वही सब लिखा हुआ है। देखो ये जो मैंने आप लोगों को जो बताया ना, इमेज एनहेंसमेंट अप्रोच आर ऑल टू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक तो होता है स्पेशल डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन। द टर्म स्पेशल डोमेन रेफर टू द इमेज पिक्सल इटसेल्फ एंड अप्रोचेस इन दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन डायरेक्ट मैनिपुलेशन इन द पिक्सल ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और फ्रिक्वेंसी डोमेन में पहले हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉडिफाइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन इमेज, और फिर उसके बाद हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ तक तो अब ये अब हम लोग जो ये वाला इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, कौन सा, जो इमेज एनहेंसमेंट इन स्पेशल डोमेन। ठीक है, तो स्पेशल डोमेन में मान लो फॉर एग्जांपल जो आपकी जो इमेज थी वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, मैंने बताया था इमेज को हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, है ना, और इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, एक इंटेंसिटी वैल्यू के इक्वल होती है। तो अगर मान लो आपका कोई इमेज है एफ एक्स कॉमा वाई और हम इस पर टी ऑपरेटर कोई परफॉर्म कर रहे हैं, टी ऑपरेटर मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपका क्या नाम है एवरेज हो सकता है आपका, जो आगे हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे इसमें इन्वर्टर ऑपरेटर हो सकता है, ये टी कोई एक ऑपरेटर है। तो अगर हमने इसको एफ एक्स कॉमा वाई जो इमेज हमारी इमेज फंक्शन है उस पर हमने टी ऑपरेटर को परफॉर्म करवाया, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जी एक्स कॉमा वाई के। ठीक है, तो यानी जो हमारी एनहेंस्ड इमेज जो आएगी हमें वो जी एक्स कॉमा वाई। अब इसमें देखो ये आप इसको ना याद रखना, अगर जी एक्स कॉमा वाई फॉर्म में अगर आगे जाके कोई सिंबल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमें आउटपुट मिला है वो जी एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, और अगर स्मॉल फंक्शन है यहाँ पर, स्मॉल फंक्शन एफ एफ फंक्शन है और एक्स कॉमा वाई है, तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, तो हमने इस पर कोई टी कोई ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म मतलब टी कोई ऑपरेटर इसमें अप्लाई किया और उसका जो आउटपुट आएगा वो जी एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ पर ये हो गया तो यहाँ पर अब वही है, देखो ये जो ओरिजिन यहाँ पर हम, ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मैं प्रीवियस यूनिट में ही बताया था, पहले दिन फर्स्ट यूनिट में बताया था। जैसे कोई आपकी जो ये इमेज है मान लो एफ एक्स कॉमा वाई और ये वाली इमेज मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है ना, यहाँ से जीरो जीरो या वन वन से स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग इमेज एफ एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो अगर इसमें इमेज का जो, अब यहाँ पर देखो ये थ्री बाई थ्री नेवरहुड अबाउट द जो पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई ऑफ एन इमेज, अगर मान लो कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई तो ये इसके थ्री बाई थ्री के ये नेवरहुड कहलाते हैं। ठीक है, जो तो अगर इसको बोलेंगे हम थ्री बाई थ्री का नेबरहुड, क्योंकि ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये कितने साइज की है, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, और इसके जो ये वाले जो नेबर हैं ये इसके ये क्या कहलाएंगे, ये सारे नेबर हैं कौन से, इस पिक्सल के। ठीक है, तो ये नेबरहुड, ये आगे जाके हम लोग इसको अभी फिल्टर भी बोलते हैं, इस तरह का फिल्टर अप्लाई करते हैं इमेज पे। एक स्मॉल साइज का मान लो मैंने थ्री बाई थ्री का फिल्टर अप्लाई किया, तो वो इस फिल्टर को यहाँ से हम लोग इनिशियल से स्टार्ट करते हुए एक एक पॉइंट पे अप्लाई करते जाते हैं, इसको पूरा एक एक पिक्सल पे अप्लाई करते हुए एंड तक ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहलाता है, इसका नेबरहुड बोलते हैं इसको, या इसको फिल्टर भी बोलते हैं। और अभी आगे जाके जब हम लोग फिल्टर पढ़ेंगे तो उसमें और बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये नेबरहुड हो गया, ये इसको नेबरहुड बोलते हैं, या फिर क्या नाम है ये, जैसे देखो। और हाँ, और एक चीज है, ये जो इसका जो नेबरहुड होता है ना, इसका साइज हमेशा इसी तरह का होगा, 3x3, 5x5, 7x7, इसका साइज कभी भी इवन नहीं होगा। इवन क्यों नहीं होगा, अगर मान लो हम इसको 4x4 का ले लें, तो 4x4 में क्या होगा कि अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो हम उसमें मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। 4x4 की मैट्रिक्स में आप मिडिल किसको लोगे। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो हमेशा है ना इसी तरह का होगा आपका, 3x3, 5x5, 7x7, मतलब जो इसका जो साइज है वो हमेशा ऑड होगा ये।
ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर इसको बोलते हैं सो कॉल्ड द मार्क्स रेफर टू एज ए फिल्टर। ठीक है, जो आपके जो नेबरहुड जो मैट्रिक्स थी, नेबरहुड इसको हम लोग आगे जाके मास्क भी बोलते हैं, कॉल्ड द मास्क, या इसको क्या नाम है फिल्टर भी बोलते हैं, रेफर टू एज ए फिल्टर्स, कर्नल्स, या इसको टेम्पलेट्स या विंडो भी बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, जो हम लोग जो नेबरहुड अप्लाई करते हैं, नेबरहुड जो एक जो 3x3 का या 5x5 का या 7x7 का जो फिल्टर अप्लाई करते हैं उसको हम लोग मास्क भी बोलते हैं, मास्क या क्या नाम है फिल्टर बोलते हैं, कर्नल भी बोलते हैं, टेम्पलेट या और विंडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना आपका जो ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ कंट्रास्ट एनहेंसमेंट, तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन में देखो जो आपका ये यहाँ से मान लो अगर ये डार्क डार्क इमेज है। अब अच्छा देखो, हाँ एक चीज और, एस और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहाँ पर जो जी बताया था मैंने आपको, जी एक्स कॉमा वाई और टी एफ एक्स कॉमा वाई, है ना। तो यहाँ पर देखो जी 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 वाला जी जो फंक्शन है, जो जो यानी कि जो आपका प्रोसेस्ड इमेज जो हमें इससे मिलेगी, कोई ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको जी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो आगे जाके ये नोटेशन है, इसको हम अगर एक सिंगल सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और आर यहाँ पर क्या है आपकी इनपुट इमेज है और टी कोई ऑपरेटर है, तो वही ये